नेशन न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मंजुल मंजरी। सबसे पहले बात करेंगे बिहार विधानमंडल के बजट सत्र की, जिसकी कार्यवाही में हर दिन हंगामा देखने को मिल रहा है। विपक्ष शराबबंदी कानून, महंगाई समेत कई मुद्दों पर नीतीश सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है। मंगलवार की कार्यवाही से पहले CPI नेता अजय कुमार ने आशा कर्मियों के वेतनमान के मुद्दे पर विधानसभा घेराव करने की बात कही। इनसे बात की हमारे संवाददाता उत्कर्ष कुमार ने। मैं जो आज विधानसभा का गृह बजट पेश होने वाला है, जो मुख्यमंत्री के दायरे के अंदर आता है, CPIM के नेता हमारे साथ हैं। आपकी क्या मांग है सरकार से? आज हम मांग कर रहे हैं दो। एक तो है कि पूरे बिहार की लाखों आशा कार्यकर्ता विधानसभा मार्च का फैसला लिया है, उसको सिर्फ 1200 रुपया महीना मिलता है। एक मजदूर का भी दैनिक मजदूरी जो है 268 रुपया सरकार ने तय किया, और उसके साथ एकदम बिल्कुल क्रूर मजाक कर रही है, और उसके समर्थन में हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। चूंकि आज वो विधानसभा मार्च कर रही है, 21,000 रुपया महीना तनख्वाह उनको देने का और सरकारी कर्मी घोषित करने का, और इसके साथ ही आज गृह विभाग पर चर्चा होगी। बिहार के अंदर जो है कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। दिन दहाड़े मुखिया की हत्या होती है, दरोगा की हत्या होती है। समस्तीपुर के विभूतिपुर में एक सोनू राज की हत्या सिर्फ इसलिए हो गया कि सोनू राज के पिता ने शराब माफिया को शराब बेचते समय ही उसने पुलिस को खबर किया, और पुलिस ने जो है शराब माफिया को इसकी जानकारी दे दिया, उसका कत्ल उसके बच्चों का कर दिया, और पुलिस हाथ पर हाथ रख करके बैठी हुई है। कानून नाम का कोई चीज नहीं है। शराबबंदी है लगातार जो विफल होती नजर आ रही है, हर जगह पे जो शराब है बड़ी मात्रा में पकड़े जा रहे हैं, उसको लेकर आप क्या मांग रखते हैं सरकार से? सरकार के संरक्षण में शराब की बिक्री होती है, हर थाने के मिलावट में मिली भगत से शराब की बिक्री होती है, हर थाने के मिली भगत से जो है ना शराब जो है उसके क्षेत्र में प्रवेश करता है। बिहार सरकार के सबसे बड़े अफसर जो है उसके मिली भगत से बिहार में सरकार आती है, इसलिए सरकार पूरी तौर पर शराबबंदी में फेल हो चुकी है, बल्कि इसको एक व्यवसाय का रूप उसने ले लिया है। पैसे कमाने के लिए जो है उसके तमाम अफसर, पुलिस अफसर इसमें लगे हुए हैं। सरकार जो है उस पर कार्रवाई नहीं करती है, सरकार फेल हो रही है। इसलिए हम मांग करते हैं, आज सदन में जोरदार तरीके से उठाएंगे, कानून का राज खत्म हो गया है। जिस जंगल राज को हटा करके जंगल राज मिटाने का वादा किया था, आज फिर वही जंगल राज आज स्थापित हो गया है। तो जिस तरीके से CPIM के जो नेता हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो आशा कर्मी हैं उन्हें जो पैसा मिलता है वो 1200 मिलता है, इसको लेकर आज वो विधानसभा का घेराव करने वाले हैं, उसके समर्थन में ये लोग उतरे हैं, और साफ तरीके से कह रहे हैं कि जिस तरीके से शराबबंदी बिहार में विफल है और इसके संरक्षण में बिहार सरकार के अधिकारी ही हैं जिनके वजह से बिहार में शराब कानून विफल है। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उत्कर्ष, नेशन न्यूज़, पटना।